तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे हमारे कुछ हमने ऑनलाइन जो है अपने गार्डन के टूल्स वगैरह मंगवाए हैं, तो आज हम अपनी वीडियो में उन्हें आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टूल्स हमने मंगवाए हैं, इनकी आपको अपने गार्डन में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है अगर आप भी एक अच्छे गार्डनर हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर चीज़ आती है दोस्तों, ये हमारा कटर है। ये कटर आपको प्रूनिंग करने में बहुत मदद करता है। इससे आपका प्लांट बेकार भी नहीं होता और इससे कटिंग या प्रूनिंग अच्छे से हो जाती है। तो सबसे पहला जो दोस्तों ये हमारा काम है, ये हमारा कटर का है। गार्डनिंग के अंदर कटर का बहुत ही मेन रोल है दोस्तों। अगर आप एक अच्छे गार्डनर हैं तो आपको एक कटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो और कुछ दोस्तों हमने मंगाया है, तो हम इसे देख लेते हैं इसके अंदर से निकाल कर। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे टूल्स हैं जो कि हमें गार्डनिंग में इसकी काफ़ी हद तक ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इस तरीके से दोस्तों, ये हमारे बहुत बढ़िया चीज़ जो मुझे लगी थी अपने फ़ोन पर देखने में, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये जो हमारा काम करता है, सबसे बढ़िया जो इसका काम होता है वो ये होता है, हम इसकी अच्छे से इससे हम गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर आपका ज़्यादा बड़ा जो है वो गमला का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो आप इससे अच्छी तरीके से इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी पौधे को रिपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसकी मदद से मिट्टी उठाकर भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और दोस्तों ये तीसरा जो हमारा टूल है, ये भी काफ़ी मेन होता है अगर आप एक बॉन्साई मेकर भी हैं। देखिए, बॉन्साई का मतलब आप जानते हैं इसको, ये जापानी एक टेक्निक थी जिसकी मदद से आज इंडिया में भी इसको हम काफ़ी अच्छे से बनाते हैं। ये मेरा सफलेरा का प्लांट है जो कि मैं फ्यूचर में इसे बॉन्साई के लिए डेवलप कर रहा हूँ। इसकी देखिए, मैंने इस तरीके से इसे शेप देने की कोशिश की है। ये वायर है एल्यूमिनियम का। इसकी जो मदद होती है दोस्तों, अगर आपके बॉन्साई में रूट ज़्यादा हैं, तो इसकी मदद से हम इन्हें इस तरीके से हम फैला सकते हैं, जिससे कि बॉन्साई में, बॉन्साई का मतलब क्या होता है दोस्तों, बौना पौधा, उसे हम बढ़ने नहीं दे सकते। उसकी जो ये मेन स्टेम होती है, इसे हम काफ़ी थिक बना लेते हैं, जिसकी मदद से वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ये उसकी जड़ों को फैलाने के काम का होता है। और दोस्तों, तीसरा जो हमारा ये टूल है, तीसरा ये जो हमारा टूल है, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सख्त हो चुकी है, वो आपकी इस वाले टूल से भी नहीं खोद पा रही है, उसे खोदने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो फिर आप इस टूल का जो है वो इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी मिट्टी आराम से ही अंदर तक चला जाएगा और आपकी मिट्टी बहुत आसानी के साथ में खुद जाएगी। तो बस दोस्तों, ये तीनों चारों जो हमारे टूल्स हैं, ये मैंने मंगवाए हैं और इनका मैं यूज़ अपने गार्डन में करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको भी अगर अपने गार्डन है, आपका भी एक अच्छा खासा गार्डन है, तो आप इन चीनों टूल्सों को ज़रूर मंगवा लीजिए। अगर आपके यहाँ पर ये अवेलेबल हो शॉप्स पर, तो आप शॉप से ले लीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक अच्छे गार्डनर हैं, तो इनका आपके गार्डन में होना बहुत ज़रूरी है। इनकी आपको परमानेंटली वो जो ज़रूरत है, वो आपको पड़ती रहती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बस यही शेयर किया था आपके साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।